इटावा, संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट पर उठाए सवाल। इटावा जिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बयान दिया है। कहा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा लाए गए ड्राफ्ट के ऊपर उठाए सवाल। संजय सिंह ने कहा, यह कौन सा कानून है जिसमें दो से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद नहीं बन सकता, लेकिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले दो से ज्यादा बच्चे वालों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे 153 विधायक हैं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, पहले उनकी सदस्यता खारिज करनी चाहिए। संजय सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्टी, उन्होंने सिर्फ नफरत के बीज बोने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, विकास का कोई कार्य किया नहीं, नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, किसानों को फसल का दाम मांगने पे लाठियां मिली, और उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 महीनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से बेपरवाह है। आज यूपी में नौजवान अगर रोजगार के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरता है तो उसको माँ बहन की गालियां दी जाती है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पे हमें याद है हाथरस कांड, किस तरह से एक दलित की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। हमें याद है कि किस तरह से इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हो गई। हमें याद है कि 1 साल से खुशी दुबे और 4 महिलाओं को एक छोटे से बच्चे के साथ जेल में सड़ाया जा रहा है। ये तमाम परिस्थितियां उत्तर प्रदेश ने देखा है, भोगा, और सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी लोग भूले नहीं है। आगरा के अंदर एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी। एक नौजवान पुलिस वाले के जूते पे अपना सर रख देता है अपनी माँ को ऑक्सीजन देने के। तो ऐसी तमाम स्थितियां, परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में भोगी है, यहां तक कि शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई। और ये पार्टी कह क्या रही थी 2017 के चुनाव में, गांव-गांव में शमशान होना चाहिए, गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की वो मनहूस बातें इन्होंने खुद से सच करके दिखाई, गांव-गांव में शमशान बना दिया। तो हमें शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए, हमें शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमें स्कूल और अस्पताल बनाने वाली, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली और बेहतरीन कानून व्यवस्था देने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए ये हमारा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान पिछले कई दिनों से चला रहे हैं और 8 अगस्त तक ये अभियान